सर मैं लिखा ही क्यों, एक तो भय पैदा हो ही जाता है कि यहाँ पे भारत का संविधान डायरेक्ट रूप से लागू नहीं होता, झारखंड विधानसभा का संविधान लागू नहीं होता, कोई भी भ्रमण करने से पहले, बसने से पहले, बिजनेस करने से पहले अनुमति ले, नहीं तो वो गैर वाजिब होगा। देखिए लेकिन कहीं पे भी आप देखिएगा कि यहाँ पे किसी को बसने से इनकार नहीं किया जा रहा, पत्र में लिखा हुआ है, लोग खुद डर रहे हैं, खुद से व्याख्या कर रहे हैं, हमने तो आप पे तो देशद्रोह का मुकदमा तक डाला गया। देखिए संविधान के तहत कहा जाए कि अलग देश मांगना ये बिल्कुल देशद्रोह है, लेकिन हमने कभी भी अलग देश की मांग नहीं की है। पर देशद्रोह तो मामला दर्ज हुआ, देशद्रोह तो वो जो भी आंदोलनकारी है इनको दमन करने की, आप महात्मा गांधी को देखिए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को देखिए, इन पे भी देशद्रोह का केस लगा। फुटकट्टी जमीन तो मान लीजिए कि जो जंगल को साफ करके बनाया गया जमीन, वहां तो कई जगह रसीद भी नहीं कटता है, मतलब शुरू से ही परंपरा है, सरकार के खाते में वो जमीन है भी नहीं। लेकिन आप लोगों ने कहा कि भारत का संविधान यहाँ सीधे तौर पे लागू नहीं होता, इन इलाकों में किसी को भ्रमण करने नहीं देंगे, वही भारत का संविधान आपको ताकत दिया है आज चुनाव लड़ने का, अपनी बात कहने। मैं भाजपा सरकार के खिलाफ हूँ, कांग्रेस सरकार के भी उन नीतियों के खिलाफ हूँ जहाँ पे वो आदिवासियों का शोषण करते हैं, उनके जल जंगल जमीन लूटने का कानून को बचाने, एक एक सरकार तो क्या करती है कि वो कानून बनाती है सारे अधिकारों को लूटने के लिए, और दूसरी सरकार क्या कर रही है कांग्रेस, वहां आज तक 70 से 75 साल में आदिवासियों का, मूल निवासियों का यहाँ पे शोषण ही हुआ है, इस कारण से बहुत ज्यादा समय नहीं लगता हमको उनको कन्विंस करने में। लेकिन हेमंत जी के बारे में क्या राय है आपकी, वो तो कह रहे हैं कि सबसे बड़े शुभचिंतक हैं हम आदिवासियों के, आदिवासियत की रक्षा, झारखंड की रक्षा, झारखंडियत बचाने के लिए हम आए। मैं आपके पास आ रहा था आपका पता करते करते, वोट कटवा के पास आप काहे जा रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे लोग कि संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ है कि केवल भाजपा और कांग्रेस ही मतलब चुनाव लड़ सकता है। नहीं वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा वोट ले आएंगे और माहौल बना आएंगे, लेकिन एक भी वोट लाए, लेकिन मेरे को संवैधानिक अधिकार है कि मैं खड़ी हो सकूं। बिल्कुल, तो ये हकीकत बात भी है कि आंदोलनकारी को तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो वहाँ पे बहुत कंजूसी करते हैं। भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा, सब कोई चाहता है। जी 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 हाँ, मतलब बिरसा मुंडा पैदा हो लेकिन मेरे घर पे नहीं, दूसरों के घर पे। 5 रुपए केजी चावल हम नहीं देंगे, हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि जो 5 रुपए केजी चावल उगाने के लिए जो जमीन है वो आपके पास में बची रहेगी। मतलब चुनाव में बहुत अब खर्च हो रहा है, बबीता कश्यप कहाँ से पैसा लाएंगे, गुजरात से कितना फंड आएगा, सब तो ये भी चर्चा कर रहे हैं ना। इतना वोटर के पैर पे अपने ही लात मार दिए, उस समय कितने लोग वोटर आईडी जला दिए, आधार कार्ड जला दिए, बैंक स्टेटमेंट जला दिए, तो अभी उन सबका आधार कार्ड बना लिया आपने या फिर वोटर आईडी बनवाया। नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक ही है। आप भारत का संविधान की जिस अनुच्छेद की व्याख्या देख रहे हैं, दरअसल ये खूंटी का भंडरा इलाका है और झारखंड में कहते हैं कि पत्थलगड़ी की शुरुआत यहीं से हुई थी उड़ीसा के बाद, और अभी जो उस दौरान नेतृत्व कर रही थी, जो अपनी हक और आवाज के बारे में लोगों को जागरूक कर रही थी, वो बबीता कश्यप जी हमारे साथ है। इस बार लोकसभा की उम्मीदवार भी हैं भारतीय आदिवासी पार्टी की वजह की तरफ से। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई जी, जहाँ पे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, और आपका मीडिया चैनल जो है वो वंचित शोषित समुदाय, आदिवासी समुदाय, मूल निवासियों की बातें उठा रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपको कब लगा था कि भारत का संविधान इस तरीके से कहता है व्याख्या, क्योंकि आप पे तो देशद्रोह का मुकदमा तक डाला गया। देखिए, जहाँ पे भी सच्चाई कही जाती है वहाँ पे लोगों को नुकसान तो होता ही है। वर्ष 2016 की बात है, वर्ष 2016 में जब मैं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए काम किया करती थी, उस समय पे हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमको संवैधानिक जो प्रावधान है उनके रुचि दिखाया, और उसके बाद से कहा जाए कि यहाँ पे झारखंड की स्थिति बहुत खराब थी, 4000 विदेशी कंपनियां आने वाले थे, या फिर कहा जाए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट, लैंड बैंक का प्रोजेक्ट, ये सब काफी सारे प्रोजेक्ट थे संविधान में, सीएनटी एक्ट में बहुत सारे प्रावधान होने के बाद भी लोग उसको पढ़ते नहीं थे। तो एक आंदोलन के रूप में लोगों को ये बताने के लिए कि संविधान में ये प्रावधान है, इस कारण से आप इनका उल्लंघन मत करिए, इस कारण से ऐसे पत्थलगड़ी किया जाने लगा, जिसका फायदा भी हुआ। बहुत सारे प्रोजेक्ट, इसके जितने भी प्रोजेक्ट थे, 4000 विदेशी कंपनियों का जो मोमेंटम झारखंड था वो रुका, या फिर कहा जाए कि लैंड बैंक जो है अभी वर्तमान में पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ लेकिन स्टे लगा हुआ है, तो कई सारे जो प्रोजेक्ट है वो इस आंदोलन की वजह से रुके। मतलब लैंड बैंक में जो जमीन गया वहाँ रसीद कटना बंद हो गया जमीन का, तो आप लोगों को और माइलेज मिल गया कि हाँ सरकार जमीन छीन लेगी, ऐसा बोलने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए,
संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत जो प्रावधान है उसके अनुसार तो लोग कहते हैं कि सरकारी जमीन है, लेकिन फ्यूचर एरिया में ये सरकारी जमीन सरकार की नहीं कहलाएंगी, बल्कि जो ओरिजिनल में सीएनटी एक्ट के तहत जो मुंडा खुट करती है उनकी जमीन कहलाई जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लैंड बैंक में रघुवरदास सरकार के समय में जो जंगल हो गया, नदी तालाब पहाड़, ये सारी चीजों को चिन्हित कर दिया गया। और एक चीज यहाँ पे हो रही है कि जो जमीने किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के नाम पे है उन आदिवासी लोगों को स्वासी, ठीक है, मुंडा की जगह स्वासी करके एसटी जमीन को एससी जमीन में कन्वर्ट किया जा रहा है इनडायरेक्टली तरीके से, इलीगल तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हैं जो कि दिखता तो कुछ और है लेकिन हो कुछ और रहा है। लेकिन खुटकट्टी जमीन तो मान लीजिए कि जो जंगल को साफ करके बनाया गया जमीन, वहां तो कई जगह रसीद भी नहीं कटता है, मतलब शुरू से ही परंपरा है सरकार के खाते में वो जमीन है भी नहीं जी। लेकिन आप लोगों ने कहा कि भारत का संविधान यहाँ सीधे तौर पर लागू नहीं होता, इन इलाकों में किसी को भ्रमण करने नहीं देंगे, वही भारत का संविधान आपको ताकत दिया है आज चुनाव लड़ने का, अपनी बात कहने का। देखिए मेरा कहीं पे भी आप स्टेटमेंट देखिएगा, अभी तक फेसबुक या फिर व्हाट्सएप या फिर कहा जाए कि जितने भी यूट्यूब चैनल में जितने भी मेरे इंटरव्यू है, कहीं पे भी मैंने ये नहीं कहा है कि भारत का संविधान आदिवासियों पर या किसी अन्य पर लागू नहीं होता। मैंने हमेशा संविधान की बातें करी है, संविधान में जो प्रावधान है उनकी बातें करी है। तो कुल मिला के ये जो प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है कि इन लोगों ने भारत का संविधान मानने से इनकार किया, ये गलत बात है। हो सकता है कि किसी आंदोलन में गरम दल नरम दल करके दो तरह के लोग होते हैं, सबने अपने अपने तरीके से किया, लेकिन चलिए वो सब तो बात की बात है। लेकिन कुल मिला के कहा जाए कि जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ इस आंदोलन की वजह से, शायद ही किसी और आंदोलन में इतना बड़ा जो जमीन का मतलब की बचा हुआ है जी। लेकिन आप तो अपना वोटर के पैर पे अपने ही लात मार दिए, उस समय कितने लोग वोटर आईडी जला दिए, आधार कार्ड जला दिए, बैंक स्टेटमेंट जला दिए, तो अभी उन सबका आधार कार्ड बना लिया आपने या फिर वोटर आईडी बनवाया? देखिए ये कहा जाए कि आजसू जब अपना आंदोलन कर रहा था उस समय पे कहा जाए कि जो अलग झारखंड के आंदोलन के समय में उन्होंने सर्टिफिकेट्स तक जलवाए थे, या फिर आप गांधी जी की बात करेंगे जी, गांधी जी की बात करेंगे तो सारे विदेशी कपड़ों का मतलब कि उन्होंने बहिष्कार किया था, या फिर जिस तरह की उस समय पे ऐसा लगता था कि गलत कर रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन के तौर पे समझिए। और ऐसे भी वोटर आईडी कार्ड वगैरह को जलाने की बात मैंने कभी नहीं की थी, कहीं भी मेरा स्टेटमेंट नहीं है। मैंने ये कहा था कि सशर्त, चूंकि आपकी बातें नहीं मानी जा रही है, आपकी बातें नहीं मानी जा रही है, तो वोटर आईडी कार्ड और जो है जितने भी मतलब वोटर आईडी कार्ड को सशर्त जो है सशर्त राष्ट्रपति महोदय को आप मतलब कि जमा कर दीजिए, कि जब तक हमारी बातें आप नहीं मानेंगे तब तक मतलब कि हम वोट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि आजादी के पहले आदिवासियों पे कोई भी कानून लागू नहीं होता था अंग्रेज का, क्योंकि इलेक्शन होते नहीं थे, सिलेक्शन की बात है, सिलेक्शन का प्रोसेस हमेशा से रहा है। तो आपका वर्ष 2012-13 का एसटी कमीशन का रिपोर्ट भी हम देखते हैं तो उसमें ये बात बोला गया है कि अंग्रेज के पुराने कानून और नए कानून दोनों की समीक्षा की जानी चाहिए। यहाँ पे कौन कौन से लैंड के कानून हैं, यहाँ पे 5वीं अनुसूची और जो आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा है इसके अकॉर्डिंग ही कानून लागू होंगे। तो जो बातें हम कह रहे हैं, ठीक है, आपके जैसे वो आप कह रहे हैं कि वोट बहिष्कार या फिर ये सारी चीजें, जो बातें कह रहे हैं वो बातें मतलब कि कानून संविधान में भी लिखित बात है। लेकिन विल्किंसन का भी आप हवाला दे रही हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची तो ऐसा कहता है कि सरकार कुछ भी करना चाहेगी तो ग्राम सभा की सहमति जरूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बस यहाँ तक प्रिस्क्राइब है। लोग इसको ऐसे प्रचार प्रसारित किए कि बबीता जी चाह रहे हैं रिपब्लिक के अंदर एक रिपब्लिक क्रिएट करना, वो अपना स्वतंत्र देश चाह रही है, राज की तो बात छोड़ ही दीजिए। देखिए संविधान के तहत कहा जाए कि अलग देश मांगना ये बिल्कुल देशद्रोह है, लेकिन हमने कभी भी अलग देश की मांग नहीं की है। पर देशद्रोह तो मामला दर्ज हुआ, देशद्रोह तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। ये एक आंदोलन के तहत कहा जाए कि जो भी आंदोलनकारी है इनको दमन करने के, आप महात्मा गांधी को देखिए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को देखिए, इन पे भी देशद्रोह का केस लगा था। बिल्कुल, तो ये पॉलिटिकल मतलब केस है, कहीं ना कहीं इसका कोई सबूत नहीं है। या फिर कहा जाए कि 113 दिन गुजरात में भी खत्म हुए पत्थलगड़ी केस में मुझे वहां पे जेल में रखा गया, लेकिन वहां पे भी कोर्ट अच्छा, 1 साल आप 13 दिन गुजरात में रही जेल में पत्थलगड़ी में, पत्थलगड़ी के जो खत्म हुए केस है इसी को आधार बना के वहां पे भी केस मतलब डाला मुझ पे, क्योंकि वहां पे भी जल जंगल जमीन मैंने बचाया था, मतलब 7 एयरपोर्ट 7 रेलवे स्टेशन, वो भी क्या इलीगल तरीके से नहीं किया था, बिल्कुल लीगल तरीके से और फिर कोर्ट के माध्यम से। तो वो केस खत्म हुआ या बेल पे है? उसमें हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया
क्या जजमेंट दिया कि बबीता कच्छप एक समाज सेवी है और कानून संविधान की व्याख्या करना कहीं से भी राजद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता है। तो जो बातों पे यहाँ पे केस लगा था वहाँ पे कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो आपको तो यहाँ हेमंत सोरेन को शुक्रिया कहना चाहिए, उनकी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, आप अलग राह पे चल पाए अड़ी है। वो तो चाहते तो आपको जेल भेज देते, लेकिन छोड़ दिया आपको, देखिए वापस ले लिया। बहुत सारे केस ऐसे देखिए, जैसे कि सीएनटी एक्ट कहा जाए या फिर आपका जो पत्थरगढ़ी का केस है, सारे के सारे केसेस अभी तक वापस नहीं हुए। अब बात तो कोर्ट तय करता है। बात वहाँ पे ये है कि हेमंत सरकार का विरोध, मैंने हेमंत सरकार का विरोध नहीं किया या फिर कोई भी ऐसे समाज सेवी, लोकतंत्र है, बहुत सारे लोग जो समाज सेवी है, जो आंदोलनकारी है, ये खड़े हुए, मैंने उनका कभी भी विरोध नहीं किया। मैंने मुख्य तौर पे जो भी आदिवासियों का शोषण करते हैं, मैं भाजपा सरकार के खिलाफ हूँ, कांग्रेस सरकार के भी उन नीतियों के खिलाफ हूँ जहाँ पे वो आदिवासियों का शोषण करते हैं, उनके जल जंगल जमीन लूटने का कानून तो बचाने, एक एक सरकार तो क्या करती है कि वो कानून बनाती है सारे अधिकारों को लूटने के लिए, और दूसरी सरकार क्या कर रही है, कांग्रेस वहां पे मूक समर्थन दे रही है, मैं उनके खिलाफ में हूँ। आप ऐसा कह सकती है मतलब पूरे यकीन और विश्वास के साथ, क्योंकि दोनों पार्टियों पे जो आप आरोप लगा रहे हैं दोनों का तर्क अलग अलग है। कोई कह रहा है कि आदिवासियों की चिंता हमको है, इसीलिए पहली बार आदिवासी मंत्रालय का गठन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। कोई कह रहा है कि भाई हम तो राष्ट्रपति तक बनाए हैं ट्राइबल का, और उसके अलावा जो कोई लोग कह रहा है कि हम तो जल जमीन की रक्षा कर रहे हैं इसीलिए भाजपा से लड़ रहे हैं, और आप कह रहे कि नहीं दोनों के दोनों आदिवासियों को लेकर उतने चिंतित नहीं हैं या उस तरीके से रुख नहीं रखते अपना। देखिए कोई भी आपका कहा जाए कि पॉलिटिकल पार्टी, जो भी उसके मुख्य नेता होते हैं उस पे मतलब कि पार्टी का इमेज बनता है। नो डाउट जिस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय भाजपा सरकार का मतलब कहा जाए कि नाम कुछ अलग था, तो जब भी मतलब मुखिया जो है बदलते रहते हैं उसके बाद ही पार्टी का नाम होता है या बदनाम होता है। तो वर्तमान के समय में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चलो पार्टी खराब है, कोई भी पार्टी अच्छी हो सकती है, उसको चलाने वाले खराब है। और वर्तमान के समय में आप देखेंगे लैंड बैंक की बात करें, एक सरकार ने बनाया, भाजपा सरकार ने बनाया, मतलब कि सारे जो मुंडाओं की जमीन है, कुटपतियों की जमीन है, इनको लैंड बैंक के रूप में चिन्हित कर दिया, ठीक है, और दूसरी सरकार ने मुख्य समर्थन दिया, वापस कर दिया। मैंने तो उस दौरान सीएम रघुवर दास से सवाल भी किया था, उन्होंने कहा कि ये भ्रम है, मैंने किसी की रैयती जमीन, कुटकटी जमीन, मुंडाओं की जमीन, कोई भी जमीन को लैंड बैंक में नहीं डाला। बोला वो गैर मजरुआ जो जमीन है वो उसको सिर्फ लैंड बैंक में दिखाया है, और ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि अब हटाओ वहां पे कोई है तो, कि कोई बसा हुआ है तो भी, ये नहीं कर दिया कि बुलडोजर लेके तोड़ दिया। बोला ये परिभाषा गलत है, उस दौरान भी मैंने उनका इंटरव्यू किया था। देखिए गवर्नमेंट जमीन या फिर गैर मजरूरी जमीन की बात आप सीएनटी एसपीटी एक्ट में कर रहे हैं, वो सीएनटी एसपीटी एक्ट में जो सामान्य क्षेत्र है वहाँ पे सरकारी जमीन गैर मजरूरी जमीन हो सकती है, लेकिन फिफ्थ शेड्यूल सीधी सीधे कह रहा है, एक जगपाल सिंह बनाम जजमेंट पंजाब जजमेंट भी आया हुआ है इसमें, जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो खाली पड़ी जमीन है उस पे गांव का सामुदायिक अधिकार होता है। तो ये बहाना करना कि गैर मजरूरी जमीन है सरकारी जमीन है, अगर हम बोलेंगे 70 साल पहले तो सरकार आई है, अगर हम बोलेंगे कि सरकारी जमीन का आप दस्तावेज दिखाओ, कभी नहीं दिखा पाएंगे। जंगल का बोलेंगे कि आप दस्तावेज दिखाओ, बोलते तो है कि वन विभाग यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन आप उनसे पूछिएगा कि वन विभाग यहाँ पे बैठा आप दस्तावेज दिखाओ कि तुम्हारा है, नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि लीगल तरीके से, अब यहाँ पे तो आपको लगेगा कि कुछ बोल रही है, अब लीगल तरीके से सुनिए कि 1927 का फॉरेस्ट एक्ट जहां जहां पे भी अंग्रेजों ने लागू किया उतना जंगल अभी वर्तमान की सरकारों का होगा, ये पांचवी सूची में भी लिखा हुआ है, ठीक है। 1927 का वन अधिकार अधिनियम अगर यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट यहाँ पे लागू था तो जंगलों पे आज यहाँ पे इनका कब्जा होगा, अदरवाइज इलीगल कब्जा है, ठीक। यही गैर मजरूरी जमीन की बात कर रहे हैं, सीएनटी एसपीटी एक्ट में गैर मजरूरी जमीन की बात तो है, चलो सर, कि 1927 का फॉरेस्ट एक्ट जहां जहां पे भी अंग्रेजों ने लागू किया उतना जंगल अभी वर्तमान की सरकारों का होगा, ये पांचवी सूची में भी लिखा हुआ है, ठीक है। 1927 का वन अधिकार अधिनियम अगर यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट यहाँ पे लागू था तो जंगलों पे आज यहाँ पे इनका कब्जा होगा, अदरवाइज इलीगल कब्जा है, ठीक। यही गैर मजरूरी जमीन की बात कर रहे हैं, सीएनटी एसपीटी एक्ट में गैर मजरूरी जमीन की बात तो है, चलो सरकार ले सकती है, लेकिन सामान्य क्षेत्र में 13 जिले अनुसूचित जिले हैं, 11 जिले जो है झारखंड के वो सामान्य जिले हैं, सामान्य जिले में आप सरकारी जमीन लीजिए ना, किसने मना किया है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में आपको ग्राम सभा से पूरी बाउंड्री के अंदर की खाली पड़ी नदी तालाब पहाड़ को आप चिन्हित नहीं कर सकते, ग्राम सभा का अधिकार होता है। गीता जी आप अब घूमने दे रही हैं लोगों को अपने क्षेत्र में, कि अभी पहले भी मैंने किसी को मना नहीं किया, संविधान में जो प्रावधान है हमने बस उसको लिखा है कुल मिला के। और विल्किंसन रूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गांव के जो मुंडा मान की है इनको एसपी का पावर था,
और आर्टिकल 372(1) के तहत आज भी है, लेकिन सरकारें मानने से इनकार कर रही है। तो ये जो कस्टम सिस्टम की बात करें आर्टिकल 19(5)(6) कि किसी को प्रवेश से मना, ये किसी को प्रवेश से मना नहीं है, गांव से परमिशन रिजर्व एंट्री करिए, ऑलरेडी है ये बाउंड्री है, लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा है। मतलब गांव की जो कस्टमरी व्यवस्था है इसके अनुसार गांव का प्रोटेक्शन करने के लिए उनको अधिकार है, लेकिन कहीं पे भी आप देखिएगा कि यहाँ पे किसी को बसने से इनकार नहीं किया जा रहा। पत्र में लिखा हुआ है, लोग खुद डर रहे हैं, खुद से व्याख्या कर रहे हैं, हमने तो व्याख्या नहीं किया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पत्र में लिखा ही क्यों, एक तो भय पैदा हो ही जाता है कि यहाँ पे भारत का संविधान डायरेक्ट रूप से लागू नहीं होता, झारखंड विधानसभा का संविधान लागू नहीं होता, कोई भी भ्रमण करने से पहले, बसने से पहले, बिजनेस करने से पहले अनुमति ले, नहीं तो वो गैर वाजिब होगा। देखिए मैंने फिर कहा कि गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान की व्याख्या करना कहीं से भी राजद्रोह या देशद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता है। क्या सही है क्या गलत है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। केवल पत्र पे जो लिखा है हमने तो सही बातें लिखा है, लोग अपने तरह से व्याख्या कर रहे हैं। आप देखिएगा जो पत्र जितनी भी लिखी हुई है, पत्र पे जो बातें लिखी है संविधान में जो लिखा वही चीज लिखा हुआ है, ये अपनी समझ के ऊपर में है। आप ये जनता को इतनी बात समझा पा रहे हैं संविधान की? देखिए संविधान कानून की बात तो जो कलेक्टर या फिर कहा जाए संवैधानिक पद पे बैठे हैं इनको पता है, ठीक है, और कहा जाए कि गांव को बस जल जंगल जमीन की बात पता है, तो लीगल तरीके से जल जंगल जमीन मुंडा खुटकट्टी की जमीन ये सारी बातों को बोलने से अपने आप समझ पाते हैं। और दूसरी बात है, हमको लगता है कि जो पढ़े लिखे हैं वही लोग कानून संविधान समझ सकते हैं, लेकिन गलत बात है। गांव के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं इन्होंने ही भारत के संविधान को बचाया है। जी आप जा रही हैं चुनाव में तो किन मुद्दों के आधार पर वोट मांग रही हैं? जो पत्थलगड़ी का मुद्दा था वही मुद्दा है कि इसके अलावा भी और कोई मुद्दा है? देखिए पत्थलगड़ी तो एक जरिया बना है, उसके पहले से ही हम तो कानून संविधान की बातें करते आए हैं, और अभी भी जल जंगल जमीन जिसको शायद आज से 70 साल से 75 साल में जो भी सरकारें आई हैं जमीन लूटने का ही काम किया है। आदिवासी मूल निवासी के जो मुख्य मुद्दे हैं, सानी नीति हो गया, नियोजन नीति हो गया, इनके अभाव में यहाँ के लोगों को जिस तरह से विस्थापन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग झेलना पड़ रहा है, ठीक है, व्यापार रोजगार के सारे यहाँ पे कहा जाए कि सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इनका इस्तेमाल यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए नहीं किया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेके ही हम अभी ग्राउंड में हैं और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, क्योंकि आज तक 70 से 75 साल में आदिवासियों का, मूल निवासियों का यहाँ पे शोषण ही हुआ है, इस कारण से बहुत ज्यादा समय नहीं लगता हमको उनको कन्विंस करने में। लेकिन हेमंत जी के बारे में क्या राय है आपकी? वो तो कह रहे हैं कि सबसे बड़े शुभचिंतक हैं हम आदिवासियों के, आदिवासियत की रक्षा, झारखंड की रक्षा, झारखंडियत बचाने के लिए हम आए हैं। जी वो तो बहुत सारा कह रहे हैं, 1932 को उन्होंने पास कर दिया विधानसभा में, तो ऐसे कई चीजें हैं जो बोल रहे हैं कि हमने आदिवासियों के लिए किया। देखिए हेमंत सरकार की बात करें या फिर जो भी आदिवासी मूल निवासियों के हितार्थ काम कर रहे हैं, हम उनके विरोधी कभी नहीं रहे। मेरा कभी स्टेटमेंट भी नहीं देखिएगा कि जो आंदोलनकारी हैं या फिर जो भी मतलब कि यहाँ पे झारखंड के लिए काम किए हैं अभी खड़े भी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए खड़े हुए, हम उनके खिलाफ नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है, 75 लोग भी खड़े हो सकते हैं। हम उन पार्टियों के मुख्य कर जो कि आदिवासी मूल निवासी आम जनता का शोषण करते हैं, 70 से 75 साल में दो मुख्यधारा की पार्टी जो आई है, हम इनके खास विरोधी हैं, खासकर भाजपा सरकार के तो जो पॉलिसी है हम इनके खास विरोधी हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी जो है वो सीधे जल जंगल जमीन लूटने की ही है, मतलब जो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की ही इनकी नीति है, तो हम उनके विरोधी हैं। लेकिन आपको लोग वोट कटवा के तौर पर देख रहा है, सब यही चर्चा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा था आपका पता करते करते, वोट कटवा के पास आप काहे जा रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे लोग। देखिए लोकतंत्र में कहीं भी संविधान में, आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप संविधान में ये बात पूछिए कि देखिए उनसे पूछिए कि संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ है कि केवल भाजपा और कांग्रेस ही मतलब चुनाव लड़ सकता है? हाँ, नहीं वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा वोट ले आएंगे और माहौल बनाएंगे। देखिए एक भी वोट लाए लेकिन मेरे को संवैधानिक अधिकार है कि मैं खड़ी हो सकूं। बिल्कुल ये वोट कटवा की बात है तो आप भाजपा को क्यों नहीं बोलते कि तुम अभी तक जब तक वोट काट रहे हो, आप कांग्रेस को क्यों नहीं कह रहे हो कि आप मत खड़े हो कि आप अभी तक जब तक वोट काट रहे हो? तो वोट कटवा हमको कहने का मतलब सीधे सीधे है कि जल जंगल जमीन खनिज की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि लोग अगर प्रभावित हो जाए तो कहीं ना कहीं इसको वोट पड़ जाएगा, और हमारा मतलब कि जो अभी तक जो हम लोगों का शोषण करते आए हैं और शोषण करके डरा के जो भयभीत करके उनको कहा जाए उनका यूज करके हम जो सत्ता में आते रहे ये खत्म हो जाएगा, उनका दुकान बंद हो जाएगी, इस कारण से ये वोट कटवा का प्रोपोगंडा है। आधार कार्ड वोटर का आईडी कार्ड का मतलब चुनाव का बहिष्कार कर देना, इस तरह की बातें का प्रोपोगंडा, ये सारी चीजें हैं। इम्प्लीमेंटेशन को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जो लोग ये बातें फैलाने वाले हैं, मैं बता रही हूँ कि फंडेड हैं, उनको
मुख्यधारा की पार्टियों से पैसे मिलते हैं और कहीं ना कहीं जैसे 381,000 वोट एक पार्टी के हैं, 380,000 दूसरी पार्टी के हैं, तो उनके मतलब के समर्थक तो हमारे खिलाफ में ही बोलेंगे ना, मेरे समर्थन में तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, आप गांव में जा रही हैं तो रिस्पॉन्ड कैसा मिल रहा है? 6 विधानसभा का दौरा कर लिया आपने? जी मतलब अभी तक तो जहाँ तक देखा जाए तो लोग बोल रहे हैं वोट कटवा, लेकिन हमको पता है कि हम तो जीतने के लिए कर रहे हैं, हम हारने के लिए तो कर नहीं रहे हैं। अब लोगों पे ये होता है कि लोग दूसरों की बातों में आते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमेशा शोषणकर्ता वाली जो सरकारें हैं वही हमेशा आते रहे, वो हमको वोट नहीं देंगे, हमको उसकी चिंता नहीं है। मैंने कहा कि एक वोट भी हमको मिलता है फिर भी मैं खड़ी रहूंगी, मतलब कि खुले आम खड़ी रहूंगी, लोगों के हक अधिकार की बातें करती रहूंगी। और दूसरी बात है कि जी लेकिन चुनाव में बहुत अब खर्च हो रहा है, बबीता कश्यप कहाँ से पैसा लाएंगे, गुजरात से कितना फंड आएगा, सब तो ये भी चर्चा कर रहे हैं ना। देखिए मैंने कहा कि रोकने के लिए लोग तो दस तरह की बातें करेंगे, ठीक है, गुजरात में आतंकवाद निरोध दस्ता ने मुझे पकड़ा था, उन्होंने फंडिंग चेक किया था, मतलब सिस्टम इतना मतलब कि डेवलप्ड है कि उन्होंने सारा फंडिंग चेक किया, कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं, उनको एक भी रुपया किसी तरह का फंडिंग का नहीं मिला। हमारा जो घर चलता है, कुल मिला के जो भी सामाजिक काम जो कहा जाए काउंसलिंग हम करते हैं, लोगों की जल जंगल जमीन बचाते हैं, कहा जाए कि वकालत के रूप में मैं काम कर रही हूँ, एडवोकेट LLB की पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो जहाँ जहाँ पे वकील 16-16 लाख रुपए ले लेते हैं, हम समाज सेवी होने के नाते हम एक रुपया भी नहीं लेते हैं उनसे। लोग स्वेच्छा से जब हमको जरूरत पड़ती है तो स्वेच्छा से जैसे कहीं पर प्रोग्राम करने जाए तो आने जाने का खर्च कर दे, फिर मतलब कि 2-4 हज़ार रुपया हाथ में पकड़ा दे, उसी से हमारा चल जाता है। वर्तमान के समय में हो सकता है कि हमारे पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, लेकिन आम जनता के मन में इतना सेंटीमेंट है कि वो खुद से खर्च कर रही है। बूथ बांटने में बहुत पैसा खर्च होता है बबीता जी का, वहाँ कानून और संविधान नहीं चलेगा, वहाँ तो लोग पैसा खोजेंगे, तो फिर क्या करेंगे बबीता जी? देखिए उस समय की बात तो उस समय पे देखी जाएगी, लेकिन हमको जहाँ पे लगता है कि बूथ मैनेजमेंट के लिए भी लोग खुद से ही मतलब मुझे लगता है कि अभी तक जितनी विचारधारा हमारी फैली हुई है, लोग तो ऐसे हैं हर विधानसभा में ऐसे हैं जो कि खुद स्वेच्छा से बिना पैसे के बूथ में भी बैठने के लिए तैयार है। लेकिन आपको लोग क्यों चुनेगा खुट्टी का? एक तरफ कालीचरण मुंडा है, वो कह रहे हैं पहली बार सांसद बनेंगे, अगर हम बनेंगे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अर्जुन मुंडा जी कह रहे हैं सशक्त भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने के लिए इसके लिए जरूरत है कि मोदी जी को चुना जाए, तो बबीता जी को क्यों चुना जाए? सही बात है, लेकिन 70 से 75 साल में इन्होंने लगातार काम किया है, लेकिन देश का GDP ग्रोथ हमेशा घटता गया है, अभी वर्तमान में घट के 2% हो गया है, ठीक है। ये 2% का GDP ग्रोथ बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आदिवासियों के संसाधन को लूटना जरूरी है, नहीं तो GDP ग्रोथ इनका नहीं बढ़ेगा, सैलरी देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो उन सब चीजों के लिए आदिवासियों की खनिज या फिर इनके जंगल का इस्तेमाल जब तक नहीं किया जाएगा, जमीन नहीं लूटा जाएगा, तो मतलब कि तब तक इनका GDP ग्रोथ या फिर लोगों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं आएंगे। तो कहा जाए कि बोलने के लिए तो 10 तरह के दावे ये करते हैं, लेकिन जमीन पे कहाँ है? लोग आज समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, ये यहाँ के मूल निवासियों को मतलब विकास के जो छोटे दावे ये कहते हैं कि हम ये बना देंगे वो बना देंगे, इनको वो नहीं चाहिए, इनको चाहिए आजादी से स्वतंत्रता से जीना। आजादी के 70 से 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ये स्वतंत्र नहीं है, तो मैं ये कहती हूँ कि ये सारी बातें लोगों के मन तक पहुँच जाए तो बिल्कुल वो मुझे वोट देंगे ही। और कहा जाए कि 70 से 75 साल में जो रिस्पॉन्स मैं देख रही हूँ, कोई भी खुश नहीं है, और विकल्प नहीं होने की वजह से कभी इस सरकार को, कभी उस सरकार को, कभी इस पार्टी को, कभी उस पार्टी को ऐसा चुनते थे। ये कहा जाए कि मेरा एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, पूरे देश की निगाहें यहाँ की जनता की ओर है, और कहा जाए कि सबको पता है जिन लोगों का काम हमने किया, लोग हमारे काम को देखे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों का असर भी बिल्कुल यहाँ की आम जनता पे पड़ेगा। नहीं भी पड़ता है फिर भी मैंने कहा कि समाज के लिए खड़ी थी, खड़ी हूँ, खड़ी रहूंगी। और जैसा आपका इरोम शर्मिला जी की बात मैं बता रही हूँ, इतना समाज के लिए काम करने के बावजूद 90 वोट उनको मिले, तो ये हकीकत बात भी है कि आंदोलनकारी को तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो वहाँ पे बहुत कंजूसी करते हैं। भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा सब कोई चाहता है। जी 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 हाँ, मतलब बिरसा मुंडा पैदा हो लेकिन मेरे घर पे नहीं, दूसरों के घर पे, तो ये एक परीक्षा भी हो जाएगी। उसके बाद फिर कहा जाए कि वंचित शोषण करने वाले जो मतलब की पार्टियां तो है ही, अगर हमको चुनते हैं तो इनका मतलब कि जिस तरह का सपना है, मुझे लगता है कि जल जंगल जमीन बहुत विकास नहीं भी कर पाए, मतलब बात ये है कि 5 रुपए KG चावल हम नहीं देंगे, हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि जो 5 रुपए KG चावल उगाने के लिए जो जमीन है वो आपके पास में बची रहेगी। मतलब हम ये चाहते हैं कि आप मतलब कि लेने वाले मत बनो,
मतलब भिखमंगा की तरह जिंदगी मत बिताओ, आप मालिक बनो अपने, मतलब कि खुद का विकास खुद से करो, किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। शुक्रिया बातचीत करने के लिए जी। आदिवासी ही सही राजा है जल जंगल जमीन का, और ये राजा कायम रहे, उनका राजशाही कायम रहे, इसी की लड़ाई है। कह रही है आज का जो देशद्रोही होता है, आज का जो खलनायक होता है, कल का वो पूजनीय होता है। बोल रहे महात्मा गांधी से लेके भगत सिंह से लेके भगवान बिरसा मुंडा से लेके और झारखंड आंदोलनकारी का देख लीजिए, तत्कालीन सरकार में सब कोई दुश्मन थे सरकार के, लेकिन आज सब कोई पेंशनधारी और पूजनीय हैं। तो व्याख्या अपने हिसाब से होता है, कुटी की जनता किस तरीके से इसका व्याख्या करती है और बबीता जी को कितना प्यार देती है वो तो चुनाव परिणाम के दिन ही पता चलेगा। लेकिन कह रही हैं कि हम लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। ऐसे भी कहा जाता है कि हर जंग सिर्फ लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कोई एक आदमी था जो उस जंग के खिलाफ खड़ा था। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in